मार्ग में आना मेरा कर्तव्य है, परंतु नियति के मार्ग में आना मेरा अभ्यास नहीं। तुम्हारी मृत्यु किसी और के हाथों लिखी है जरासंध, इसलिए आज मैं तुम्हें पुनः जीवन दान देता हूं। हुआ, युद्ध में सम्मिलित होने आए थे ना, युद्ध नहीं किया? आपने मुझे विकल्प चुनने को कहा, परंतु अवसर नहीं दिया। अब अनुभव हुआ कि मुझे यहां युद्ध में सम्मिलित होने के लिए नहीं, युद्ध का साक्षी बनने के लिए लाया गया था। अनगिनत जरासंधों से भरे इस संसार में एक कर्ण से वार्तालाप करके अच्छा लगा। तुम अब भी भ्रम के पार देख सकते हो कर्ण। युद्ध समाप्त हुआ और तुम्हारे वचन पूर्ति का उपकर्म भी। तो प्रस्थान करें। रुकिए, वासुदेव। अपने आप नट पर है और ना मैं रथी, इसलिए अब ये रथ मैं चलाऊंगा। अब आपका सारथी मैं बनूंगा वासुदेव। मैं सदा नटवर था और सदा नटवर ही रहूंगा अंगराज। नियति ने हमारी जीवन यात्रा में तुम्हारा रथी होना निश्चित किया है और मेरा सारथी होना। जो मन में है कह डालिए अंगराज, युद्ध ना कर पाने का खेद है? नहीं, क्योंकि जिस युद्ध में आप सम्मिलित हो वहां किसी और का युद्ध करना व्यर्थ है। नियति के चक्र को कौन समझ पाया है कर्ण? कौन जाने, वो दिन आए कि हम दोनों युद्ध में सम्मिलित हों और मैं सम्मिलित होकर भी शस्त्र ना उठाऊं। अरे अरे, इतना गंभीर क्यों हो गए? मेरी हर बात पर विश्वास करोगे तो छले जाओगे, और यदि मेरी हर बात पर अविश्वास करोगे तो अधिक चले जाओगे। अब सोचने में ज्यादा समय व्यर्थ मत करो कर्ण, रथ पर बैठो। क्या अब भी कोई यात्रा शेष है? य-
यात्रा तो अनावृत नियम है कर्ण, तुम्हारी मगध की यात्रा समाप्त हुई। हो सकता है कहीं और किसी नई यात्रा का प्रारंभ करने जा रहे हो। यात्रा मंगलकारी हो पुत्रो। हाँ युवराज, तुम्हारी कीर्ति की अग्नि से वारणावत की हर दिशा प्रकाशित हो। पहना ये तो अपशगुन है। यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व आरती की थाली गिरना ये अशुभ संकेत है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। शास्त्रों में लिखा है किसी भी शुभ मुहूर्त में कोई विघ्न आए तो उसे टालना ही उचित है। भ्राता विदुर कह रहे हैं तो यात्रा स्थगित ही कर देनी चाहिए। क्या क्या कह रहे हो बहना? अरे अग्नि तो पवित्र होती है और कदाचित अग्नि देव ये संकेत दे रहे हैं कि इस यात्रा में वो पांडव भांजों के साथ ही है। परंतु महामंत्री आप तो स्वयं नीति कुशल हैं। वारणावतवासी युवराज युधिष्ठिर की प्रजा है और वहां उनके और बहन कुंती के सत्कार में विशेष प्रबंध कर दिए गए हैं और अब यदि यह यात्रा स्थगित हुई तो न केवल प्रजा का उत्साह भंग होगा बल्कि प्रजा में यह संदेश भी जाएगा कि युवराज युधिष्ठिर केवल एक अपशकुन के भय से अपने कर्तव्य से पीछे हट गए। ना महामंत्री, ये युवराज युधिष्ठिर का अपयश होगा। परंतु यहां युवराज की सुरक्षा का प्रश्न है। सुरक्षा? महामंत्री, जिसके साथ भीम और अर्जुन जैसे महाबलशाली भाई हों, जिन्होंने पांचाल को बात ही बात में परास्त कर दिया हो, उन्हें किसका भय? मामा श्री का मत उचित है काका श्री, परंतु आपकी मंत्रणा भी आवश्यक है। यदि आप कहेंगे तो हम नहीं जाएंगे। आ गया है काकाश्री। ठीक है युवराज, आप प्रस्थान करें। यात्रा मंगल में हो। चलिए माता श्री। अंतिम विदाई युवराज, अंतिम विदाई। अब दादाजी
हस्तिनापुर तुम्हारा मुख कभी ना देख पाए। वासुदेव, अभी आपने कहा कि दूसरी यात्रा प्रारंभ हो रही है, तो फिर आप बीच में क्यों रुक गए? विचार कर रहा हूं अंगराज कि कुछ यात्रा यदि प्रारंभ ना की जाए तो भविष्य पूर्णतः भिन्न हो सकता है। मैं आपकी ये पहेली भी समझ नहीं पाया। हर पहेली का उत्तर हमारे चयन में होता है अंगराज, और भविष्य चयन पर निर्भर करता है। जीवन जीने के सदैव दो विकल्प होते हैं। एक विकल्प होता है इस पाषाण खंड की भांति, जो अपने अहंकार, अपने हट, अपनी जड़ता के बोझ के कारण भारी और कठोर हो जाता है, जो ना अपना चुना हुआ मार्ग बदलता है और ना ही अपने विचार। उसका प्रारब्ध इस पाषाण खंड की तरह होता है। जल में डूब जाना। और दूसरा मार्ग वासुदेव? भक्ति मार्ग, इस मोर पंख की भांति हल्का, जो वायु के वेग में बहता है। जो इस मोर पंख की भांति होते हैं, वे अपने आप को ईश्वर की इच्छा के हाथों ऐसे समर्पित कर देते हैं जैसे इसने स्वयं को वायु को समर्पित किया। इसीलिए वायु उन्हें किसी भी ओर ले जाए, वे सदैव ईश्वर की गोद में रहते हैं। यदि हर बात में ईश्वर की इच्छा है और प्रकृति भी ईश्वर की गोद है, तो यह पाषाण ईश्वर की गोद में ही गया है। तो इस प्रकार तो ये दोनों मार्ग एक ही हुए ना वासुदेव? पाषाण हो या पंख, वायु के साथ बहे या जल में मग्न हो जाए, रहना तो ईश्वर के साथ ही है। हमेशा तुम्हारी प्रशंसा करता आया, परंतु आज तुमने मेरा सम्मान अर्जित किया है कर्ण। तुमने वो समझ लिया जिसका ज्ञान पाने में ऋषि मुनि अपना सारा जीवन बिता देते हैं। कोई पाषाण खंड नहीं, कोई मोर पंख नहीं। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो कर्म और कर्म के परिणाम। कुछ महत्वपूर्ण है तो हमारा चुना हुआ मार्ग।
बहुत ज्यादा सोचते हो अंगराज, बहुत समय भी व्यर्थ करते हो। अब यही रहना है या आगे चले? रुके तो आप हैं वासुदेव। कहा था ना, जीवन मार्ग में रुककर देख लेना चाहिए कि लक्ष्य उचित है या नहीं, और हमारा मार्ग हमारे साथ छल तो नहीं कर रहा है। ये दो रथ क्यों वासुदेव? क्योंकि यहां से दो मार्ग जाते हैं कर्ण, एक हस्तिनापुर को और दूसरा पांचाल को। ये दो रथ क्यों वासुदेव? क्योंकि यहां से दो मार्ग जाते हैं कर्ण, एक हस्तिनापुर को और दूसरा पांचाल को। तो अचानक आप पांचाल जा रहे हैं, कहीं इसका संबंध पाषाण खंड और मोरपंख के चुनाव से तो नहीं? नहीं कर, आवश्यक नहीं कि हम केवल पाषाण खंड या मोरपंख ही हों। कभी कभी कर्म के साथ साथ निमित्त भी महत्वपूर्ण होता है। हम में से कुछ पाषाण पानी के लिए निमित्त होते हैं, मोरपंख के लिए वायु का, और निर्माण के लिए अग्नि का। निर्माण के लिए अग्नि का? परंतु अग्नि तो सब भस्म कर देती है। हाँ, परंतु यही अग्नि पवित्र भी करती है अंगराज। और ऐसी ही एक अग्नि का साक्षी बनने जा रहा हूं मैं, जो एक पिता के मन में उत्पन्न हुई, वो अग्नि जो एक दिन सब पवित्र कर देगी। हमारे प्रतिशोध की अग्नि शांत करने के लिए दो अतिथि शीघ्र प्रस्तुत होंगे। द्रुपद, मैं भी उनके स्वागत के लिए आतुर हूं। ऋषिवर, तब से जब से द्रोण ने मेरा अपमान किया। ये कैसी विचित्र अग्नि है द्वारकाधीश? अग्नि अग्नि होती है कर्ण। हाँ, उत्पत्ति का कारण और उद्गम भिन्न हो सकते हैं। लालच की अग्नि, घृणा की अग्नि, छल कपट की अग्नि। आशा करता हूं जब कभी ऐसी अग्नि से तुम्हारा सामना होगा तो तुम उचित निर्णय लोगे कर्ण। एक बात का आश्चर्य है वासुदेव, आप पांडवों के ममेरे भाई हैं, तो मुझे लगा कि आप मुझे कुमार दुर्योधन से दूर करने का प्रयास करेंगे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। क्योंकि सारथी का कार्य केवल मार्ग दिखाना होता है अंगराज, चयन तो रथी करेगा। फिर भी यदि समय आने पर चुनाव करना पड़ा तो किसका चुनाव करोगे अंगराज? मित्र दुर्योधन का, इसलिए नहीं कि मैं उनके प्रत्येक कर्म को उचित मानता हूं, परंतु इसलिए कि उन्होंने मेरी तब सहायता की जब सबकी दृष्टि में मैं तुच्छ था। मैं पाषाण होने का विकल्प चुन चुका हूं, क्योंकि जल रूपी निमित्त बनकर दुर्योधन ने मुझे संभाला। चयन तुम्हारा है अंगराज, परंतु स्मरण रखना, हम कर्म चुनते हैं और कर्म हमारा परिणाम चुनता है।